Hello students, myself Pooja Mishra. Now in this video we are going to learn our lesson number 4.5 language study. Okay, now here you can see position words. What is position words? हम यहाँ पे position words के बारे में पढ़ेंगे, यानी position जैसे ऊपर नीचे आगे पीछे, ऐसे हिंदी में ना up डाउन अंडर इन ऑन, ये जब हम किसी चीज कोई चीज जब किस जगह पे है उस जगह को हम किस तरह से डिफाइन, कौन से वर्ड डाल के उसमें हम उस जगह को डिफाइन करते हैं, ऐसा हम पढ़ेंगे. तो इसे कहते हैं पोजिशन. अब देखो यहाँ लुक एट द पिक्चर्स, रीड अलाउड एंड इरेक्ट. अब यहाँ पे एक आप देखेंगे, यहाँ पे एक लेडीज है वो अपना इंग्लिश बुक ढूंढ रही है. शी इज सर्चिंग फॉर हर इंग्लिश बुक. सो वेयर शी विल फाइंड आउट, वो हर एक जगह ढूंढेगी, ऊपर टेबल के ऊपर, टीवी के पीछे, एवरीथिंग. तो वो उस जगह पे, आप यहाँ देखेंगे आप डार्क ब्लैक कलर में ये वर्ड्स को, पोजिशन वर्ड जो है उनको लिखा गया, यानी ये जो डार्क ब्लैक जो है ना, एकदम मोटे मोटे ब्लैक अक्षरों में लिखा गया, ये पोजिशन वर्ड्स है, है ना. पोजिशन वर्ड्स यानी जगह, वो जगह किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के नीचे, किसी चीज के बाजू में, किसी चीज के पीछे, ऐसे. तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. ओ आई नीड माय इंग्लिश बुक टू कंप्लीट माय प्रोजेक्ट, वेयर इज इट. वो है, वो क्या कह रही है लेडीज कि अरे मुझे मेरा इंग्लिश बुक चाहिए टू कंप्लीट माय प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए. वो ढूंढ रही है कहाँ है. ऑन द टेबल, नो. ऑन द, यहाँ देखेंगे ऑन को वो डार्क कलर में लिखा गया है. क्यों? दिस इज अ पोजिशन वर्ड. ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर ढूंढती है. टेबल के ऊपर है? नहीं, ऊपर, टेबल के ऊपर यानी ऑन द टेबल. नियर द टीवी, नियर. यहाँ पे आप नियर को देखेंगे ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक में इसको लिखा गया मोटे मोटे अक्षरों में, यानी नियर यानी टीवी के पास. नो. बिहाइंड द बैग यानी बैग के पीछे है. बिहाइंड, यहाँ पे आप बिहाइंड को देखेंगे ना ब्लैक कलर में, से डार्क ब्लैक में लिखा गया. सो बिहाइंड द बैग, नो. बैग के पीछे, बिहाइंड यानी पीछे. अंडर द चेयर यानी चेयर के अंडर, नीचे. अंडर यहाँ पे पोजिशन वर्ड अंडर यानी नीचे, कुर्सी के नीचे. नो. सो यस, वेयर इज दिस, इन माई पर्स. यस यानी कहाँ मिला, इन माई पर्स. इन यानी अंदर, पर्स के अंदर मिला उसका इंग्लिश बुक. सो वर्ड्स दैट शो द पोजिशन आर पोजिशन वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स जो पोजिशन की जगह डिफाइन करती है उसे कहते हैं पोजिशन वर्ड्स. अब यहाँ पे आपको नोटबुक वर्क है, दिस यू विल डू इन योर नोटबुक. सी क्वेश्चन ए, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. यानी ये पिक्चर्स आप देखें और यहाँ पे पोजिशन वर्ड्स को आप डालेंगे, सही प्रॉपर पोजिशन वर्ड आएगा यहाँ पे. सी हियर, द पीकॉक इज सिटिंग डैश द ट्री. क्या आएगा यहाँ, द पीकॉक इज सिटिंग ऑन द ट्री. ऑन क्योंकि वो पेड़ के ऊपर बैठा है, तो ऑन द ट्री, ऑन द ट्री आएगा बराबर, प्रॉपर वर्ड विल बी ऑन. नाउ द सेकेंड वन, द मैन इज स्टैंडिंग डैश द कार. आप क्या देख रहे हैं, मैन कहाँ पे खड़ा है, कार के ऊपर है, नहीं, कार के नीचे है, नहीं, कार के बाजू में है, यानी क्या बोलेंगे उसको, द मैन इज स्टैंडिंग बिसाइड द कार, यानी कार के बाजू में. वो पोजिशन वर्ड बिसाइड डिफाइन कर रहा है उस मैन का जगह. सो बिसाइड द कार. द थर्ड वन इज, देयर इज वाटर डैश द जार, यानी देयर इज वाटर इन द जार, प्रॉपर वर्ड विल बी इन द जार. देयर इज वॉटर इन द जार, द प्रॉपर वर्ड, प्रोपोजिशन वर्ड विल बी इन. ओके, नाउ फोर्थ वन, द कार इज पार्क्ड अंडर द ट्री. द प्रॉपर वर्ड यहाँ पे पोजिशन वर्ड आएगा, अंडर द, पेड़ के नीचे कार को पार्क किया गया है, यानी अंडर द ट्री. एंड द लास्ट वन, द रैबिट इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, यानी जो रैबिट है वो कहाँ पे छुपा हुआ है, पेड़ के पीछे, पीछे यानी बिहाइंड. ओके, सो ये सारे पोजिशन वर्ड, ये लेसन आपको पोजिशंस के बारे में, अप डाउन अंडर बिसाइड इन आउन,
ये सब पोजिशन वर्ड्स जो है ये डिफाइन करने के लिए, सिखाने के लिए आपको ये लेसन बनाया गया है. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन बी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड ड्रॉ द पिक्चर्स इन द बॉक्स. अब यहाँ पे द एप्पल इज ऑन द टेबल, तो आप कैसा बनाएंगे? द एप्पल इज ऑन द टेबल यानी पोजिशन वर्ड्स देखिए, ऑन द टेबल तो क्या आएगा इधर, आप क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे. और एप्पल कहाँ बनाएंगे? टेबल के नीचे के ऊपर. यस, ऑन द टेबल है तो टेबल के ऊपर. नाउ सेकेंड वन, द बॉल इज अंडर द टेबल. अब यहाँ पे टेबल वापस, दोनों ड्राइंग में टेबल बनाना है लेकिन एक में एप्पल दिखाना है ऊपर, बिकॉज इट इज ऑन द टेबल. नाउ हियर द बॉल इज अंडर द टेबल, तो यहाँ पे बॉल कहाँ बनाएंगे? ऊपर के नीचे. यस, अंडर द टेबल यानी टेबल के नीचे बनाएंगे. वेरी सिंपल. ओके, नाउ लास्ट वन. नाउ सी द क्वेश्चन सी, डू यू डू दिस, से यस और नो. आप ये करते हैं क्या? आपको यस और नो बताना. आप क्या करते हैं? आई राइट ऑन अ पेपर विद अ चॉक. आप पेपर में चॉक से लिखते हैं, ऐसा करते हैं क्या आप? आपने किया है क्या कभी? आपका जो आंसर होगा आप लिख लें. अगर आपने वाकई में किया तो आप सच सच लिखें. अगर आप पेपर पे चॉक से लिखते हैं, कभी कोशिश किया है लिखने की, तो यस लिखो. नहीं किया है कभी तो नो लिखो. मैं तो नो लिखूंगी क्योंकि मैं छोटी थी तो मैंने तो कभी नहीं लिखा है पेपर पे चॉक से. सो आई विल राइट नो. इफ यू हैव रिटन यू कैन राइट यस और नो. आई वियर क्लीन यूनिफॉर्म व्हेन आई गो टू स्कूल. यस, ये तो हर कोई करता है, बिकॉज इट इज कंपल्सरी ऑल्सो, गुड हैबिट ऑल्सो, कि आपको स्कूल जाते वक्त स्कूल में अपना क्लीन एंड नीट यूनिफॉर्म पहनना. सो यस, आई ड्रिंक माई बुक्स. आप बुक से पानी पीते हैं? नो, दिस इज बैड हैबिट ऑल्सो. ये सब कौन करता है? आई ड्रिंक माई बुक्स, वो बुक्स के ऐसे पानी पीने की एक्टिंग, ऐसा कोई करता है? नो. नाउ द फोर्थ वन, आई सिट ऑन माई बेंच. यस, बेंच पे बैठते हैं, है ना, डेस्क पे थोड़ी कोई बैठता है, ऑफकोर्स बेंच पे बैठते हैं. सो आई सिट ऑन माई बेंच. यस, यस आएगा यहाँ पे. आवर क्लास रूम इज क्लीन. यस, आपका क्लास रूम क्लीन है? ऑफकोर्स क्लीन है. सो यस, आई गिव बाथ टू माई बुक्स एवरी डे. आप अपनी बुक को रोज नहलाते हैं, ऐसा करेंगे? ऐसा अगर किया तो सारे बुक्स, फिर हो गई आपकी पढ़ाई, तब तो बुक्स सब बहा के गीले हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, इसलिए बुक्स तो कोई नहीं नहलाता. सो नो, यहाँ आएगा नो. नाउ द लास्ट वन, सेवेंथ वन, आई आस्क क्वेश्चंस एंड द टीचर आंसर्स देम. मैं टीचर से सवाल पूछता हूँ और टीचर उसके जवाब देती, ऐसा होता है? नो, टीचर आपसे सवाल करती है या आप टीचर से सवाल करते हैं? ऑफ कोर्स टीचर आपसे सवाल करती है. सो आंसर विल बी नो. ओके, सो ये हो गया आपका यस और नो वाला वर्क. ये सारे वर्क आप अपने नोटबुक में करेंगे. नाउ योर द लास्ट वन डी, क्वेश्चन डी, कंप्लीट द वर्ड स्नेक. अब यहाँ पे स्नेक का ये स्नेक बनाया गया है और आपको ये वर्ड्स बीच बीच में डाले हैं. आपको ये पूरा ब्लैंक, ये जो बॉक्स ब्लैंक जगह दिया है ना, इसे आपको कंप्लीट करना है वर्ड्स डाल के. अब देखिए, MAT TIN, है ना, हो गया. बीच में एक प्रॉपर वर्ड डालना है जिससे एक प्रॉपर वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड बने. सो मैट इन, ये पहले के दो आपको बताए गए हैं. अब ये क्या है? एन, और बीच में बॉक्स है और फिर पी है, ब्लैंक जगह दी है. तो उसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा? एन ए पी, नैप. ए नैप आएगा, नैप. पिन, पी आई एन, पिन. फिर एन ई टी, नेट. टी आर डबल ई, ट्री. E double G, egg. फिर G U N, gun. N I B, nib. N B U N, bun. और N O, no. So ये हो गया हमारा word snake. Okay. So we have completed our lesson number 4.5 language study. So students, अगर आपको मेरा videos helpful रहा, पढ़ने में मज़ा आया मेरे साथ, so please मेरे channel को like करें, share करें अपने classmates के साथ, अपने friends के साथ, and मुझे subscribe ज़रूर करें. वो जो red button है ना, उसे ज़रूर दबाएं subscribe करने के लिए. Okay? Thank you.